नमस्कार, मैं हूं रजनी भारद्वाज और इस वक्त आ चुकी है भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे मामले पर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने। जी हां, सभी को इंतजार था इस बात का कि आखिर आकांक्षा दुबे का असली कातिल कौन है। आरोपी समर सिंह गिरफ्तार हो चुका है, जो मुख्य आरोपी के तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सवाल था कि आकांक्षा की जान अकेले समर तो नहीं ले सकता। और समर उस वक्त तो वाराणसी में मौजूद भी नहीं था, बल्कि वो तो गोरखपुर में अपनी शूटिंग कर रहा था। और उस बीच जब खबर मिली समर सिंह को कि आकांक्षा ने अपनी जान दे दी है, उसके बाद से वो फरार चल रहा था। अब ऐसे में भले ही सीएम योगी आदित्यनाथ के कहने के बाद समर सिंह को भले ही गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर आकांक्षा का असली कातिल कौन है। तो यहाँ पर अब एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है और खबर ये है कि आकांक्षा दुबे के केस में एक नहीं बल्कि चार चार कातिल सामने आए हैं और इन कातिलों का नाम भी सामने आ चुका है। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे मामले पर गिरफ्तार हुए आरोपी समर सिंह, जिसे लेकर हर रोज कोई ना कोई नई अपडेट सामने आती है। ऐसे में यहाँ पर कई सारे फैंस के कमेंट्स भी आए, जिन्होंने इस बात का खुलासा किया कि पुलिस जो भी जांच पड़ताल इस मामले पर कर रही है या फिर समर सिंह से पूछताछ कर रही है, तो पुलिस का फर्ज है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उन सबूतों के बारे में, उस अपडेट के बारे में जनता को बताए, ताकि जनता यहाँ पर बेवकूफ़ ना बने। क्योंकि यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जो सबको हैरान और परेशान कर रही है। आपको बताते चले कि देखी होगी आप सब ने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि इन चार लोगों ने मिलकर ली थी आकांक्षा दुबे की जान। और इसका दावा कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर कुछ आकांक्षा दुबे के ऐसे फैंस भी हैं जो यहाँ पर दावा कर रहे हैं और कहते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से आकांक्षा दुबे की जान गई और कैसे आकांक्षा दुबे की जान को लेकर खेला गया खेल, कैसे आकांक्षा दुबे को लेकर उसकी हत्या को साजिश का अंजाम दिया गया, कैसे उस साजिश को रचा गया आकांक्षा दुबे के खिलाफ। ये सारा खुलासा यहाँ पर कर दिया गया है, किसी और को लेकर नहीं बल्कि समर सिंह को लेकर, आकांक्षा दुबे को लेकर। तो आप सबको बताते चले कि आखिर कौन है वो चार आरोपी जिन्होंने आकांक्षा दुबे की साजिश को अंजाम दिया। ये हम नहीं कह रहे बल्कि यहाँ पर दावा है उन लोगों का जिन्होंने इस बारे में खुलासा किया है, जिन्होंने इस बारे में कहा है और साथ ही यहाँ पर खुलासा किया है। यहाँ पर कुछ लोगों का कमेंट आया है, कमेंट में यहाँ पर कहते नज़र आए हैं कि वाराणसी के जिस होटल में आकांक्षा दुबे की जान गई थी, दरअसल उसी होटल का मैनेजर और यहाँ पर वो लोग मिले हुए थे जिन्होंने आकांक्षा की जान ली। क्योंकि यहाँ पर होटल का जो मैनेजर था वो उस दिन होटल में नहीं था, समर सिंह भी अपनी शूटिंग पर गोरखपुर में था और उस दौरान आकांक्षा की जान को, उसकी जान ले ली गई, साजिश को अंजाम दिया गया। और जिस तरह से बैठकर आकांक्षा दुबे ने अपनी जान दी है, उसके बाद से भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ हस्तियां भी हैं जो इस मुद्दे पर सवाल उठा रही हैं, यहाँ तक कि कहती नज़र आ रही हैं कि कोई भी शख्स बैठकर अपनी जान नहीं दे सकता, यहाँ पर कोई भी शख्स बैठकर अपने आप को फांसी नहीं लगा सकता, यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। और अगर यहाँ पर उसने फांसी लगाई होती तो वो ऊपर चढ़ती, थोड़ी सी चद्दर बिगड़ी होती, लेकिन यहाँ पर सब कुछ प्लेन था, चद्दर पूरी तरह से ठीक थी। और चद्दर के ठीक होने के साथ साथ यहाँ पर आकांक्षा दुबे अगर खुद को फांसी भी लगाती तो वो बेड पर खड़े होकर लगाती, ना कि बैठे बैठे वो खुद को इस तरह से लटका लेती कि वो यहाँ पर ऐसे जान देती। यहाँ पर ज़रूर कुछ छिपाया जा रहा है और छिपाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने समर सिंह को गिरफ्तार कर रखा है, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन संजय सिंह से अभी तक सारनाथ पुलिस ने कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाया, उससे कोई भी पूछताछ नहीं की है। और ऐसे में अब हम आपको बताएंगे उन चार आरोपियों के नाम, जो मुख्य तौर पर आकांक्षा दुबे के केस में सिर्फ शक के दायरे पर नहीं बल्कि कुछ सबूत हैं जो उनके खिलाफ जा रहे हैं। सबसे पहले नाम तो हम लेंगे आरोपी समर सिंह का।
समर सिंह इसलिए भी आरोपी माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो आकांक्षा दुबे के माता पिता ने समर सिंह पर आरोप लगाया है, जिसके बाद से वो जेल की सजा काट रहा है। और ऐसे में समर सिंह के खिलाफ सबूत भी मिले हैं, चाहे वो आकांक्षा दुबे की आखिरी वीडियो हो जिसमें रोते हुए उसने इस बात का खुलासा किया है कि अगर उसके साथ कोई हादसा होता है तो उसकी असली वजह कोई और नहीं बल्कि समर सिंह होगा। और ऐसे में समर सिंह को ही गिरफ्तार किया जाए और उसी से पूछताछ की जाए। इसी के साथ आपको बताते चले ये भी कि यहाँ पर सिर्फ यही सबूत नहीं बल्कि आकांक्षा के चेहरे पर लगे हुए चोटों के निशान से भी ये बात साबित हुई कि मधु दुबे सच कह रही है कि किस तरह से टॉर्चर करता था समर सिंह आकांक्षा दुबे को, उसे मारता पीटता था, उसे पैसे भी नहीं देता था और ना ही किसी और के साथ काम करने देता था। अब बात करते हैं दूसरे आरोपी की। दूसरे आरोपी के तौर पर नाम सामने आया है संजय सिंह का। ये वही संजय सिंह है जो समर सिंह का बहुत अच्छा और करीबी दोस्त है। इसी संजय सिंह के साथ आकांक्षा भी काम करती थी, लेकिन इसी संजय सिंह ने धमकी दी थी आकांक्षा सिंह को। जी हाँ, उसने कहा था कि वो आकांक्षा सिंह को जान से खत्म कर देगा, जान से मार देगा अगर आकांक्षा सिंह ने उसके कहने पर काम नहीं किया तो। यहाँ पर आकांक्षा के पैसों पर ऐश करते थे संजय सिंह और समर सिंह, इसका दावा भी किया है आकांक्षा दुबे की माँ मधु दुबे ने। अब आरोपी तीसरा संदीप सिंह, ये वो संदीप सिंह है जो आखिरी बार आकांक्षा के साथ उस होटल के कमरे में गया था उसका बैग लेकर, लेकिन वापस लौटने की उसकी वीडियो सामने नहीं आई। और जब से इस मामले ने तूल पकड़ा है तब से संदीप सिंह फरार है और अभी तक वो पुलिस के हाथ नहीं लगा। इसके बाद जो चौथा नाम सामने आया है वो है अनुराधा सिंह का। अनुराधा सिंह कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस है और साथ ही आकांक्षा दुबे की बहुत अच्छी और करीबी दोस्त भी है, जो आकांक्षा की हर एक बात जानती थी। आकांक्षा के साथ जब हादसा हुआ, जब उसने अपनी जान दी, तो सबसे पहले खबर अनुराधा सिंह को मिली थी और अनुराधा सिंह ने ही आकांक्षा की माँ को उसके जान देने की खबर दी थी। और उसके बाद जब उसे वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया तब भी अनुराधा उसके साथ थी। पोस्टमार्टम जहाँ हो रहा था मॉर्चरी रूम में, वहाँ भी अनुराधा आकांक्षा के साथ थी। और उसके बाद जब आकांक्षा का अंतिम संस्कार किया गया तो अनुराधा सिंह ने आकांक्षा दुबे के पिता का इंतज़ार नहीं किया बल्कि उसका खुद अंतिम संस्कार करवा दिया जल्दी से। और साथ ही उसके अंतिम संस्कार के साथ उसने ये कहा कि मेरा काम तो अब पूरा हो गया। और उसकी इसी स्टेटमेंट के बाद से वो शक के दायरे में आ चुकी है। ये वो चार लोग हैं जो आकांक्षा दुबे के असली आरोपी है और जब तक ये चारों एक साथ नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक इन चारों से पूछताछ पुलिस नहीं करेगी, तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। तो ये है पूरी रिपोर्ट और ये है वो चार कातिलों का सच। नेक्स्ट लाइन लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट जिसमें हमने किया खुलासा भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के उन चार कातिलों का खुलासा, जिनका नाम आपको बताया, जिनकी सच्चाई आपको बताई, जिनका कनेक्शन क्या है केस के साथ वो आपको बताया, और इसके पीछे की कहानी वजह क्या थी आकांक्षा की जान लेने की ये भी आपको बताया। तो अब आपको हमारी इस रिपोर्ट को सुनने के बाद क्या लगता है, अपना कमेंट जरूर दे, अपनी राय जरूर दे। और अब इस मामले पर क्या एक्शन लेना चाहिए पुलिस वालों को या फिर आकांक्षा के माता पिता को या फिर योगी सरकार को, ये भी बता। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए शुक्रिया।